विकास क्या है, जीडीपी का रेट देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रेशियो जानकारी होनी चाहिए। जाति गणना के आधार पर तो आपने आंगनवाड़ी तक का बहाली किया है बिहार में, आशा सेविका की बहाली किया है, बाहुलता का पहले से भी आपने मैपिंग करवा लिया था, फिर क्या मजाक है इतना लंबा समय लगाना इस मामले में। कौन सी जाति क्या है नहीं है, कौन सा धर्म कितना रह रहे हैं, कौन सा पिछड़ापन के क्षेत्र में क्या, ये करवाना चाहिए। अगले चुनाव में मोदी एक भारत में वैश्विक चेहरा है, इसलिए उसको हम कमजोर होने देना नहीं चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज, मैं हूं अफसर आलम। अभी मेरे साथ उपस्थित हैं भाजपा के अच्छे नेता यहां के नरपतगंज के, और हम इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके का जनगणना किया गया है, जातिगत जनगणना, और हाल ही में जल्दबाजी में रिपोर्ट भी दिया गया है, उनपे क्या कुछ बताएंगे। सर, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र यादव। अभी आप भाजपा में कौन जिला का समिति सदस्य? सर, जाति का जनगणना हुआ था, उनका रिपोर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्या कुछ इस पे बताना चाहेंगे? जाति गणना सरकार के नियमित कार्यक्रमों में था, बिहार सरकार ने करवाया है, उनका क्या उद्देश्य होगा वो जाने। अभी देश में जाति गणना की कोई बहुत आवश्यकता महसूस मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता है। सर, ये जातिगत जनगणना क्या लगता है कि लोगों के आंखों में धूल झोंकते नजर आ रही है? बेशक धूल झोंकने की जरूरत है, देश विकास क्या है, जीडीपी का रेट देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रेशियो जानकारी होनी चाहिए। जाति गणना के आधार पर तो आपने आंगनवाड़ी तक का बहाली किया है बिहार में, आशा सेविका की बहाली किया है, बाहुलता का पहले से भी आपने मैपिंग करवा लिया था, फिर क्या मजाक है इतना लंबा समय लगाना इस मामले में। कौन सी जाति क्या है नहीं है, कौन सा धर्म कितना रह रहे हैं, कौन सा पिछड़ापन के क्षेत्र में क्या, ये करवाना चाहिए। सर, क्या लगता है कि जातिगत जनगणना जल्दबाजी में आधा अधूरा रिपोर्ट जारी कर दिए? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित बात है, राजनीतिक षड्यंत्र है ये, कोई मतलब नहीं उठता इसका। सर, जिस तरीके का गणना हुआ है, क्या लगता है जातिगत जनसंख्या जो बढ़ रहा है, तो उससे आने वाले समय में सत्ता पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ना है, सत्ता राष्ट्रवाद के नाम पर अभी लोग तैयार हो रहे हैं, जातिवाद में क्षेत्रीयवाद समाप्त हो रहे हैं, ऐसे में जाति और क्षेत्र का समस्या तो बात ही खत्म हो जाता है। सर, इस बार के रिपोर्ट में जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी ईबीसी का जनसंख्या बढ़ाया गया है, तो क्या लगता है उसके साथ हकमारी की जा रही है कुछ? हकमारी तो क्योंकि जनसंख्या सर उसका उतना ज्यादा है, लेकिन उसको उस तरीके का पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, सभी लाभ तो आरक्षण में आपने दे ही दिया है, महिलाओं के लिए क्या आरक्षण है, एससी एसटी के लिए क्या आरक्षण है, लोकसभा और विधानसभा में क्या आरक्षण है, आपने तो आरक्षित कर ही दिया है, संविधान प्रदत्त शक्ति है आपकी, फिर दूसरी बात क्या है, तो मजाक है। और सर, आगे चुनाव है 2024 में लोकसभा के, उसमें क्या लगता है कि राजनीति के चाणक माने जाते हैं नीतीश कुमार जी, उनका सामना कैसे रहेगा भाजपा के? दुर्भाग्य है, नीतीश जी जहां पर है वहां बहुत सारे चाणक है, सभी राज्यों में अलग अलग चाणक है, इसलिए नहीं मालूम कि कौन से चाणक सफल होते हैं। और क्या कुछ बताएंगे अगले चुनाव के लिए? अगले चुनाव में मोदी एक भारत में वैश्विक चेहरा है, इसलिए उसको हम कमजोर होने देना नहीं चाहेंगे। पुनः एक बार देखना चाहिए? एक बार बिल्कुल, एक बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप देख रहे थे केवल सच न्यूज। इस तरीके का तमाम खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए केवल सच न्यूज।